गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि हम कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती, कोई भी क्वेश्चन जो इस फॉर्म में होती है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसके सॉल्व करने के तीन मेथड्स हम डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। ओके, फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जो सबसे ज्यादा मेथड यूज होता है 10th क्लास में। ये मेथड बेस है आगे चैप्टर के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए या कोई भी प्रॉब्लम आएगी। दूसरा मेथड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको बोलते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरा मेथड जो होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो जो चैप्टर के साथ है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हम शुरू करेंगे स्प्लिटिंग दी फैक्टराइजेशन, जिसको बोलते हैं, और हम इसको करेंगे स्प्लिटिंग दी मिडल। ठीक है, अगर पेपर में आपको ना बोला हो कि आपने क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, तो ये मेथड सबसे इजी मेथड है और बहुत इजी है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो टीचर बोलता है इसको सॉल्व करें और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सॉल्व का मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको निकाल के देनी। तो हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहला जो रूल है कि हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस बी से कंपेयर करते हैं। एस क्या है? सम। और पी क्या है? प्रोडक्ट। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास सम कितना आया? माइनस थ्री। और प्रोडक्ट कितना आया? प्रोडक्ट लिखते हम यहां पे हैं, पर हम इसका कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास प्रोडक्ट आया बेटा टू। अब मुझे कोई पूछे कि ये रकमें ब्रेक कैसे होंगी, कि इस मिडल टर्म को हम कैसे ब्रेक करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा। आप ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप इस मेथड को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं ये आपसे पूछता हूं कि तीन को कैसे तोड़ा जाए कि वो मल्टीप्लाई करके दो आए। आई से हाउ टू ब्रेक थ्री दैट आई गेट अ मल्टीपल ऑफ टू। तो कोई इसको ऐसे लिखेगा,
कोई इसको ऐसे दिखेगा, दोनों बिल्कुल सही है, क्योंकि थ्री को अगर मैं तोड़ता हूं तो टू मल्टीपल तभी आ सकता है अगर एक वन होगा और एक टू होगा, या एक टू होगा और एक वन होगा। साइंस क्या है इसके पीछे? साइंस ये है कि मल्टीप्लाई करके टू आना चाहिए और ऐड करके माइनस थ्री आना चाहिए, सम मतलब है कि एडिशन। तो इन दोनों के आगे मैं माइनस साइन लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं माइनस तीन की जगह इक्वेशन में वैल्यू ये वाली पुट कर दूंगा कोफिशिएंट के साथ, तो मेरी इक्वेशन बनेगी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो मैंने प्रोडक्ट को नहीं चेंज करना, मैंने सम को ब्रेक करना। मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रोडक्ट क्या है बेटा, इसका कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का और इस कांस्टेंट टर्म का कोफिशियंट। अगर इसके साथ साइन होगा तो मैं साइन भी लूंगा, जैसे मैंने यहां सम में लिया है तो मैंने यहां माइनस थ्री लिखा है, अगर यहां प्लस होता तो मैं यहां प्लस लिखता। तो साइन लेने हैं तो हम जहां लिखेंगे कि एस और पी की वैल्यू आए हैं तो हम कहेंगे कंपेयर दी कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम इन इन दोनों टर्मों में से अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास फोर टर्म्स आ गई, तो मैं दो दो टर्म्स का एक पेयर बना लूंगा और मैं इसमें से कॉमन निकाल के देखता हूं कुछ। तो मेरे पास यहाँ पे x माइनस टू आ गया, यहां से माइनस वन कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस था तो यहाँ भी प्लस रहना चाहिए। अब इसको चेक कैसे करते हैं कि मेरा स्प्लिटिंग मेथड सही है या गलत है? अगर आपके दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आंसर सेम आया है तो आपका मेथड सही, नहीं तो आपका मेथड गलत हो सकता है या आपने कोई साइन की गलती की हो। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, यहां प्लस वन कॉमन निकाल लेते हैं तो ये माइनस एक्स आ जाएगा, ये प्लस टू, पर ये दोनों फिर टर्म सेम नहीं होंगे। तो हम यहां इसमें से दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या निकलेगा, तो x माइनस टू आ गया और इसके बाद x माइनस वन बच गया। अब ये इस इक्वेशन को मैंने दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो हमने इसको दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, अब सॉल्यूशन क्या निकलेगा, तो मैं बोलूंगा इस इक्वेशन का क्या कंसेप्ट है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये टर्म जीरो के बराबर होगी या ये टर्म जीरो के बराबर होगी। अब इधर माइनस था तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं आखिर में आंसर लिखूंगा x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू टू इज दिस सॉल्यूशन, और ये मेरा आंसर है। ठीक है, ठीक है, कोई इश्यू आया? अब हम इससे बड़ी टर्म सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन लेते हैं जहां पे आपको नॉर्मली पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको उसमें प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने। तो हम आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं जिसमें हम क्वेश्चन लेते हैं 3x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट अलग ये है कि इस क्वेश्चन में
जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है वो वन नहीं है। ये हम क्वेश्चन अलग से कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हम इसको करके देखते हैं। तो हम इसको कहेंगे, पहला स्टेप है कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो सम मेरा क्या आया, -4। और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि प्रोडक्ट क्या होगा, इस कांस्टेंट का कोफिशियंट और इस एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 और -7, तो मेरे पास प्रोडक्ट आ गया -21। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन में तोड़ेंगे तो सम अगर -4 है तो प्रोडक्ट -21 है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब -21 का मतलब क्या है कि 21 के फैक्टर बना लो। अगर आपके पास टर्म बड़ी है तो प्रोडक्ट वाले टर्म के फैक्टर बना लो। इन दी मीन टाइम हम साइन को इग्नोर करते हैं, पर साइन हम बाद में लेके आएंगे। तो 21 के फैक्टर क्या होंगे कि 21 किस किस टेबल पे जाता है, तो कोई बोलेगा 1, 21, फिर ये जाता है 3 पे, 3, 7 और 7, 3 और 21 और 1। पर हमको ये भी अब चीज देखने वाली है कि 4 कैसे आएगा। -4 तो हम देख लेते हैं कि 4 कैसे आएगा। किसी ने बोला मेरे से कि 7 में से जब 3 माइनस करेंगे, पर मेरे पास 4 नहीं है। अब मैंने 4 तो मैच कर दिया पर मैंने साइन नहीं मैच किया इन टर्म्स का। अब साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो यहां पे साइन इसका माइनस का आएगा और इसका क्या आएगा बेटा, बिल्कुल सही, प्लस। क्योंकि जब मैं +3 और -7 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर -4 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये -21 आएगा। तो अब मुझे लगता है कि मेरे फैक्टर्स सही तरीके से बन गए हैं। अब मैं इनको सब्स्टिट्यूट करता हूं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन मेरा क्या था, 3x² -4x -7 = 0। अब मैं टर्म्स को रिप्लेस कर दूंगा, बड़ी रकम पहले छोटी रकम बाद में। अब कोई मेरे से पूछेगा कि इसमें से तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो हमने पहले बात की थी हम दो दो का पेयर्स बनाएंगे फिर देखेंगे क्या कॉमन आता है। तो इसमें से हमने एक्स कॉमन निकाला बेटा, तो ये मेरा आ गया 3x - 7। कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब मैंने देखा कि इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ गया, फैक्टर्स सेम आ गए, टर्म्स सेम है, साइन का भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब मेरी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। तो अब मैंने इसको जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर था उस टर्म को कॉमन निकाल लिया, इसको कॉमन निकालूंगा तो इस टर्म का मेरे पास एक्स बचा और इस टर्म का मेरे पास +1 बचा और मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया। अब मैं लिखूंगा कि या तो ये टर्म 0 के बराबर होगी या ये भी हो सकती, तो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई 7/3 और मेरी एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई -1। तो मैं आंसर लिखूंगा कि या तो एक्स की वैल्यू 7/3 होगी या एक्स की वैल्यू -1 होगी, और ये मेरा आंसर है।
इसमें एक और भी सोल्यूशन केस है। केस ये है, फैक्टराइजेशन करने से पहले आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो आपको मैं रूल्स बता देता हूं। रूल्स क्या है, ऑल टर्म्स विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सिर्फ जीरो होगी। अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है 4x2, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, हो सकता है इसके फैक्टर ना बन पाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सारी टर्म्स को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और फिर उनको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन बन गया बेटा 2x² - 3x + 10 = 0। अब इसके फैक्टर नहीं बन पाएंगे, मैंने ये आपको समझाने के लिए किया है कि कैसे आप करें। और लर्निंग के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहें, ठीक है। इसकी अगली सीरीज में मैं आपको दूसरा टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सिखाऊंगा, ठीक है। ओके बाय।